हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम क्षितिज पांडे है और आप सभी का मेरे चैनल कनेक्ट विद केपी पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुत सुंदर सा और प्यारा सा पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप सभी, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। शाम का वक्त है और चारों तरफ से छोटी पहाड़ियाँ हैं और सुंदर गाँव का दृश्य है। गाँव में आकर ऐसा लगता है कि गाँव में ही बस जाएँ। आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, शहरों में रह ले, लेकिन गांव का आनंद ही कुछ और होता है। तो मैं भी जब कभी आसपास के गांव में जाता हूं या फिर कभी अपने गांव जाता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि सभी जॉब की तलाश में या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए गांव से निकल के बाहर आते हैं, लेकिन जब भी गांव जाते हैं तो गाँव पर ही उनको रहने का मन करता है। खेत खलिहान, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब दिखते हैं। छोटे मोटे घर, कुछ पक्के घर, कुछ कच्चे घर दिखते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी इस वीडियो में भी देख सकते हैं, साफ साफ पहाड़ी दिख रही है और पहाड़ों के बीच ये गांव है। यह गांव वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर चकिया में है, जहां पे मैं रहता हूं अभी और यहीं पे मैं जॉब करता हूं। और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी सी पहाड़ी है, कितना अच्छा दिख रहा है। और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा ये बाउंड्री है जिसमें फूलों की खेती की गई है। इतना सुंदर फूलों की खेती है। ये गेंदे का फूल है जो हमेशा ही खिला रहता है, मैं पिछले 4-5 महीने से देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है ये गांव का आप दृश्य देख सकते हैं। कुछ घर बन रहे हैं, कुछ टूटे फूटे पुराने हैं, कुछ पुराने गांव के घर हैं जो बहुत ही आनंद देते हैं, जो देखने में ही भले ही खूबसूरत ना हो लेकिन बहुत ही आनंद देते हैं। और ये सीनरी देख कर बहुत ही अच्छा लगता है, यहीं पर बस जाने का मन करता है। फ्रेंड्स, आप सबको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।